को आज हम जो है फिर फिशिंग पे जा रहे हैं किमाड़ी टू ब्रेक वाटर। तो आज हमारे साथ जो लोग हैं वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं भाई मुजफ्फर भाई और ये हैं हमारे फात भाई, ये हमारे फर्रुख भाई, ये हैं हमारे अली भाई, हेलो, और ये हैं हमारे पुराने खत्री भाई जो हमेशा साथ होते हैं, ये साथ छोड़ते ही नहीं है, चिपके हुए हैं ये। और ये हमारे हैं भाई बिलाल भाई, नजर आ रहे हैं बिलाल भाई, बिलाल भाई हाथ लाइएगा। चाइना पोर्ट के पास है। इससे पहले हमने जो है वो ठंडी सड़क के करीब अपनी लांच रोकी थी, वहाँ थोड़ी सी जो है वो हल्की हल्की बाइट हुई, चाल हुई, बट ज्यादा मछली अच्छी नहीं पिक कर पाए। अब यहाँ हम आए चाइना पोर्ट पे, अब यहाँ कोशिश कर रहे हैं, देखें एक हमारे जो है फात भाई को शायद लगी है। फात भाई लगा है क्या? नहीं लगा अभी तक, तो फिलहाल लेडी फिश वगैरह तीन चार लगी हैं और पानी में गर्म बहुत है। लांच जो है वो ले जा रही है, ले जा रही है। ये आप पानी देख सकते हैं, कोई शिकार नहीं है यहाँ पर, कोई शिकार नहीं है। और मेरी थोड़ी तबीयत भी अजीब हो रही थी, वरम की वजह से वो बस असर हो गया, कभी कभी हो जाता है असर, या असर होने की वजह से जो है वो मैंने इसको महसूस भी कर लिया ज़्यादा। अब वो मेरी तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, बहरहाल इंतज़ार कर रहे हैं, कोई हुक होता है नेक्स्ट तो वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। मुजफ्फर भाई को क्या ये दिखाएं, शक्ल तो दिखाएं, कौन सी जहर मच्छी है भैया? ये तो अभी ये क्या है, ये खतरनाक है, आराम है आराम। भाई ठीक ठाक ला रहा हूँ, ये कोई भी जो है वो जगह हमें मुनासिब नहीं लगी। अब हम यहाँ चाइना पोर्ट से भी निकल रहे हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी चंद मछली हम यहाँ पर रुक कर पाए, ठीक है, और अभी तक वैसे तो कुछ भी नहीं है। देखें आगे, देखते हैं किस जगह जाके ठहरते हैं, कहाँ रुकते हैं और फिर कहाँ पर हम मछली पकड़ने के लिए जगह हमें बेहतर रहती है। भाई इस वक्त दोपहर के 2 बज गए और हम ब्रेक वाटर से भी अंदर आ गए और अभी तक लड़ाई चल रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चक आ रहे हैं, छोटी छोटी मच्छियाँ, कोई अच्छा शिकार अभी तक नहीं मिला। सुबह 9 बजे से जो है वो 2 बज गए, हमारे बंदों की तबीयत भी खराब हो गई, मुझ समेत, मैं तो खैर अब बेहतर हो गया हूँ, और हमारे अली भाई हैं अभी भी लेटे हुए हैं, और हमारे फर्रुख भाई हैं वो भी लेटे हुए हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। देखें अभी आगे क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं, खाना वाना खाया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, देखते हैं। अब 2 बजे के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 बजे के बाद कुछ चाल शुरू होगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये नाकवा भाई ने हुक किया है, माशाल्लाह ये शिकार है, अब हमारे शिकार लगना शुरू हो गए। हमारे मुजफ्फर भाई पकड़ा कपड़दार भाई, हुक होना शुरू हो गई है, मछली लगना शुरू हो गई है, माशाल्लाह भाई ये मुल्ला आ गई है मेरे पास भी, काफी देर बाद इतनी मेहनत के बाद ये मुल्ला पकड़ लिए। अभी खैर अब इसको हम हुक किया है, भाईजान ये निकाला काफी मेहनत के बाद, तकरीबन कितने पाव का होगा भाई? एक पाव का पीस निकाला कपड़दान। अब बिस्मिल्लाह हो गई है, इंशाल्लाह देखते हैं कुछ देर में क्या होता है, फिर दिखाएंगे आपको। नाकवा भाई ने इमरान भाई
ये इन्होंने फिर दोबारा से एक कपड़दान बहुत बड़ा पीस पकड़ा है। दो तीन और हुक थे जो मैं दिखा नहीं सका। वाह यार जबरदस्त इमरान भाई, वाह वाह माशाल्लाह। इमरान भाई ने फिर से एक ये पकड़ी इतनी बड़ी। वाह यार जबरदस्त इमरान भाई। ये हमारे इमरान भाई बैठे हैं दोबारा से तैयारी कर रहे हैं दो रोल लगाने की। भाई जान नहीं नहीं केकड़े भी नहीं है, झींगे भी लगा, केकड़ा तो ऊपर रह गया। कपड़दान एक दफा और मैंने कोशिश की और ये माशाल्लाह से मैंने ये पकड़ लिया। तकरीबन ये 1.5 पाव का पीस है। अब इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। वो भाई ने भी ये पकड़ी है कपड़दान, माशाल्लाह से अच्छे साइज की है, ठीक ठाक साइज है ये, और काफी मेहनत के बाद। इससे पहले भी इन्होंने पकड़ी थी, वो हुक मैं कर नहीं सका। इनका गिला था कि तुमने मेरा हुक कैच करते हुए नहीं दिखाया। मैंने कहा भाई मैं दिखा देता हूँ। बहरहाल अभी मजीद और वीडियो होंगी। हमारे अली भाई जो है इनकी तबीयत माशाल्लाह से बेहतर हो चुकी है और कुछ देर में ये भी शिकार शुरू करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अच्छा शिकार करके घर जाएंगे। हमारे अली भाई ने भी मछली पकड़ ली है माशाल्लाह से। ये एक दाना पकड़ लिया इन्होंने। किसका दाना है भाई? ये दूर से नजर नहीं आ रहा सही है। मुजफ्फर भाई कौन सी मच्छी है? किसका? अच्छा ये हमारे अली भाई है माशाल्लाह से। काफी देर इनकी तबीयत खराब थी, इन्होंने अभी जो है वो हिसाब किताब कर लिया, तबीयत ठीक करके एक मच्छी मार ली है। भाई ये मुजफ्फर भाई ने ये मछली पकड़ी है, हुक की है। हम समझ रहे थे कि बहुत बड़ा दाना है, मगर ये वो मछली है जो हम खाते नहीं है और उसमें जो है वो जहरीला और कुछ होता है, तो इसलिए इसको रखते भी नहीं है। तो इसको रिलीज कर दिया हमने।